रामपुर के थानागंज क्षेत्र के चपटा कॉलोनी में समाजवादी सरकार में बनी आसरा योजना के तहत कॉलोनी के 27 नंबर ब्लॉक में एक फ्लैट की बालकनी का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के वक्त बालकनी में चार लोग मौजूद थे जो कि छज्जे के साथ नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त घायल हुए चारों सदस्य एक ही परिवार के थे, जिनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। वहीं इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई जो गर्भवती थी। आपको बता दें, पूर्व में समाजवादी सरकार के दौरान आसरा योजना के तहत चपटा कॉलोनी में क्वार्टर बनाए गए थे, जिनमें से 27 नंबर ब्लॉक के क्वार्टर में ये भीषण हादसा हुआ है। वहीं हादसे के बाद SDM प्रशासन JP गुप्ता का कहना है कि शनिवार को रात 11:30 बजे ये हादसा हुआ है। इसमें छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई जो गर्भवती थी। हादसे के वक्त छज्जे पे चार लोग खड़े थे और वो एक ही परिवार के थे। इस कॉलोनी का निर्माण 2015 में सपा सरकार के दौरान हुआ था और 2016 में इसको नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया गया था। छज्जा गिरने से रात 11:30 बजे कल की बात है, ये 11:09:21 की, और छज्जा गिरने से ये घटना कल बरसात भी हुई है। और जो परिवार का वहाँ जो अलॉटमेंट है वो महजवी के नाम से था, आसिफ की पत्नी है, और बताते हैं कि उनका परिवार रात को 11:30 बजे उस छज्जे पे खड़ा था कि अचानक वो छज्जा गिर गया। तो उसमें जो गर्भवती महिला थी, उसका नाम था रुखसार, पत्नी निक्की, जो उसकी बेटी थी, गर्भवती थी, उसकी मृत्यु हुई है। और इसके अलावा जो बेटा था उनका, वो घायल हुआ है। साथ में उनका एक भतीजा था, वो घायल हुआ है। तो फरमान और गुलफाम ये घायल थे। जो हल्का घायल है वो जो है गुलफाम था, जिसकी पट्टी होकर छुट्टी हुई है। लेकिन जो उनका बेटा है वो भर्ती है वहाँ पर, उसको भी चोट लगी हुई है, सर में चोट है दोनों को। लेकिन ये है कि अभी बातचीत कर रहे हैं और दोनों कुल मिलाकर के कर्ज से बाहर हैं। ये आसरा योजना तो जल्दी के क्वार्टर्स बने थे, इसको लेकर क्या कहेंगे, कब बने थे और ये इसमें इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं? जो अभी हमने जानकारी लिया है प्रथम दृष्टया, उसमें 2015 का निर्माण बताया जा रहा है और 10 अक्टूबर 2016 में ये नगर पालिका को हैंडओवर हुई है। तो इस एंगल से जिलाधिकारी महोदय ने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं, जिसमें मैं स्वयं ADM के रूप में, वास्तविक अधिकारी के रूप में रखा गया हूँ और मेरे साथ एक्शन PWD रखे गए हैं और साथ ही एक्शन जल निगम रखे गए हैं, जो इसकी जाँच करके अपनी तकनीकी रिपोर्ट देंगे। तो किस आधार पर सर ये गरीबों को आवाज़ दिए गए थे, अगर इसमें कोई मिलती है तो इसमें कौन कौन इसमें दोषी, किस तरह के पैसे? नहीं, ये तो देखिए, काशीराम शहरी आवास योजना और आसरा योजना के अंतर्गत जो मकान बनाए हैं उनको हम पात्रता के आधार पर प्रशासन की तरफ से उनको दिया जाता है, आवंटन किया जाता है। और उसमें जो घटना हुई है उसके लिए हमने तहसीलदार साहब को मौके पर भेजा हुआ है, जो जाँच कर रहे हैं, और जो भी उनके संबंधित देर होगी उनको आपदा के अंतर्गत वो उनको दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ क्या अगर कोई पाए जाते हैं? मैं जांच इसलिए जीवन ने बैठाया हुआ है, जांच पाने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही होगी अगर ये पाया जाता है कि इसमें तकनीकी रूप से कोई खामी है। हादसे की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना में घायल हुए लोगों की प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जाएगी। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिनमें से जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रामपुर से माय भारत ले फहीम खान की रिपोर्ट।